हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो काइनेमेटिक्स के बाद एनएलएम की सीरीज़ में कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें सूडो फोर्स भी था मेरे पास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी था। तो उन सब के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज और कुछ बेसिक क्वेश्चन वो हम यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर अभी हम न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन के बेस पर कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छे क्वेश्चन डिस्कस होने का पर्पस जो बेसिक क्वेश्चन है एनएलएम के, उसके बेसिस पे, जैसे इसमें कंस्ट्रेंट मोशन का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको अभी मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। कंस्ट्रेंट मोशन की वीडियोस के बाद आएगी, उसी के अंदर हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको मिलेगा, आपको वहाँ से ट्राई करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सोल्यूशन देखना है किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन में लिखा है अ हेलीकॉप्टर इज मूविंग टू द राइट एट अ कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इट एक्सपीरियंस थ्री फोर्स, ग्रेविटेशनल ड्रैग एंड कॉज बाय रोटर। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम कैन बी करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम रिप्रेजेंटिंग फोर्स ऑफ हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो एक डायग्राम यहाँ पे दिया है, तो उसको मैं थोड़ा सा रफली बना लेता हूँ ऐसे, इस तरीके से। और मोशन किधर है हेलीकॉप्टर का, ये मेरे पास है डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये मेरे पास क्या है हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन मुझे इधर दिया है। तो अगर आप इसके अंदर फ्री बॉडी डायग्राम को ध्यान से देखोगे और चार ऑप्शन को देखोगे, तो जो रोटर का जो फोर्स है वो तो इसी डायरेक्शन में है, यानी फोर्स ऑफ रोटर किधर है, वो तो ये होगा। रोटर जिस डायरेक्शन में मूव करेगी, रोटर के ऊपर जो फोर्स आएगा फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग, उतना आएगा। ठीक है, अब मोशन होगा डायरेक्शन का इधर। तो एक बात आप ध्यान से देखें कि अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, तो जो एयर यहाँ पे प्रेजेंट होगी उसका ड्रैग किधर लगेगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ड्रैग का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस फोर्स। तो अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन राइट में है, तो ड्रैग फोर्स किधर लगेगा, ये आएगा मेरे पास ड्रैग फोर्स, ये कहानी होगी। ओके, तो दो फोर्स के बारे में हमने यहाँ पे देखा। अगर इस हेलीकॉप्टर का मास एम है, तो ग्रेविटेशन फोर्स किधर लगेगा, वो लगेगा नीचे, जिसको बोलेंगे एम जी, और इसी एम जी को क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, सही बात है। और यहाँ पे एक फोर्स और आएगा पिक्चर में, जिसको बोलेंगे एम इंटू ए। एम इंटू ए कुछ नहीं है, जैसे हम न्यूटन सेकंड लॉ में करते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन राइट में है, तो एम ए भी किधर लगेगा, इधर लगेगा राइट डायरेक्शन में। अगर ड्रैग प्रेजेंट ना होता, अगर एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट ना होता, तो ये हो जाता जीरो। ये जीरो होता तो उस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कितनी आ जाती, जीरो आ जाती। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या जाती है, जीरो। तो ये जो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्रिएट होगा वो किसकी वजह से होगा, वो ड्रैग की वजह से होगा। क्योंकि आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ो, तो उसमें ये दिया गया है कि जो हेलीकॉप्टर का मोशन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है। कैसी वेलोसिटी के साथ है, कांस्टेंट। तो जनरली हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये सोचते हैं कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, जीरो। एम ए वाली टर्म आएगी नहीं यहाँ पे, बट रेजिस्टेंस की वजह से स्पीड में चेंज आएगा, और स्पीड में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन भी पिक्चर में आएगा। तो इसी वजह से हम यहाँ पे एम ए को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से इसका फेवरेट डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो उसका आप नोट कर लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, ये हटा देता हूँ मैं इधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है अ वेट कैन बी हंग इन एन अने ऑफ द फॉलोइंग फोर वेज बाय स्ट्रिंग ऑफ द सेम टाइप, इन विच केस इज द स्ट्रिंग मोस्ट लाइकली टू ब्रेक। तो चार कंडीशन आपको दिए हैं और पूछा है कि किसके अंदर स्ट्रिंग के सबसे ज़्यादा ब्रेक होने के चांस है। ठीक है, तो ये डायग्राम कुछ ऐसे दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो एक डायग्राम कुछ इस तरीके से है, ये मेरे पास है एम। तो देखो, अगर एम होगा और यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रिंग है, तो टेंशन यहाँ पे कितना होगा, टी वन, यहाँ पे कितना होगा T2, और इसका नीचे वेट लगेगा यहाँ पे mg। तो इस डायग्राम के अंदर दोनों फोर्स क्या करेंगे, इस mg को बैलेंस कर लेंगे। अगर दोनों बैलेंस कर लेंगे, तो स्ट्रिंग के ब्रेक होने के चांस सबसे कम है। ठीक है, सेकंड डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे, तो B डायग्राम में थोड़ा सा इस तरीके से बना है डायग्राम, है ना, इस तरीके से डायग्राम बना है, और यहाँ पे मेरे पास है मास m। तो यहाँ पे टेंशन होगा T1, यहाँ पे टेंशन होगा T2, ये होगा नीचे mg। और अगर यहाँ पे एंगल की अगर आप बात करोगे, तो एंगल कितना होगा, यहाँ पे थीटा मान सकते हैं, थीटा होगा। तो इसका अगर मैं हाफ करता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा थीटा बाय टू, और ये हो जाएगा थीटा बाय टू। बट इतना सब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन में, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम के टर्म में आंसर मुझसे पूछा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस बी डायग्राम में, और अगर मैं सी डायग्राम की बात करता हूँ, तो थोड़ा सा कंपेरिजन आप कर सकते हो यहाँ से। कंपेरिजन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लगाए एम मास, ये होगा टेंशन टी, ये होगा टी वन, और ये होगा एम जी।
तो अगर आप ध्यान से देखोगे अगर इस एंगल को बोलेंगे थीटा वन, इसको बोलेंगे थीटा टू, और एक फिगर और दिया है वो थोड़ा सा कुछ इस तरीके से, एम ये टी वन और ये मेरे पास है टी टू, इस एंगल को क्या बोल देंगे थीटा थ्री। तो इस कॉन्सेप्ट से आप ये समझो कि टेंशन के सारे कंपोनेंट एम जी को बैलेंस कर लेंगे, तो इसका तो ब्रेक होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, तो ब्रेक नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर मैं थीटा वन, थीटा टू और थीटा थ्री तीनों को कंपेयर करूँ, तो आप ध्यान से देख सकते हो कि जो थीटा टू वाला मेरे पास यहाँ पर, अगर आप डायग्राम ध्यान से देखोगे तो जो सी वाला है, सी वाले डायग्राम में थीटा टू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी और डी, यानी थीटा टू ग्रेटर है इससे थीटा वन से, और सबसे ज़्यादा फिर किसका है थीटा थ्री। तो ओवरऑल थीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, तो थीटा की वैल्यू ज़्यादा होने से क्या होगा, ये टेंशन का जो कंपोनेंट यहाँ पे होगा, टेंशन का जो कंपोनेंट यहाँ पे होगा उसकी जो कंपोनेंट ब्रेक होने पे कॉस, क्योंकि टी वन अगर एंगल थीटा थीटा बाई टू होता है, जैसे बाई टू अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, तो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा टी कॉस थीटा, ऐसी एक कंपोनेंट इधर आएगा टी कॉस थीटा। ठीक है, रफली बात कर लेते हैं टी कॉस थीटा और यहाँ पे टी कॉस थीटा, तो ये दोनों कंपोनेंट जो होंगे वो एम जी के सबसे कम वैल्यू जो मिलेगी मुझे यहीं पे मिलेगी, यानी एंगल ज़्यादा तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होने से क्या होगा, इस एम जी को बैलेंस करने की जो कैपेबिलिटी है वो टेंशन की कम होगी, कम होगी तो जो रोप के सबसे ज़्यादा ब्रेक होने के चांस है वो ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपको मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही बात है, तो टेंशन यहाँ पे एंगल सबसे ज़्यादा, तो ब्रेक होने के चांस कहाँ पे होंगे सबसे ज़्यादा, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक रफली डायग्राम था इसलिए मैंने थोड़ा सा रफ तरीके से यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो उसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आंसर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जितना अदर रोप का डिस्टेंस होगा मास से उतना ही कम यहाँ पे टेंशन फोर्स क्रिएट होगा, और वो उतना ही कम यहाँ पे वेट को बैलेंस कर पाएगा, और उसके ब्रेक होने के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं, तो क्वेश्चन में मुझे बोला है अ रोप ऑफ मास 5 किलोग्राम इज मूविंग वर्टिकली इन वर्टिकल पोजिशन विद एन अपवर्ड फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। ठीक है, रोप है मेरे पास, एक रोप बना लेते हैं इस तरीके से, है ना, रोप है, थोड़ा सा इसका वेट मास भी यहाँ पे दिया है, और रोप का मास कितना है 5 किलोग्राम, ये उसने मेंशन किया है सवाल में। ठीक है, एंड अपवर्ड फोर्स 100 न्यूटन, यहाँ पे जो ऊपर की तरफ फोर्स है वो कितना है, वो मुझे दिया है 100 न्यूटन। उसके बाद बोला है अपवर्ड एंड एंड डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 70 न्यूटन एक्टिंग एट द लोअर एंड, यानी अपर एंड पे तो 100 न्यूटन का फोर्स और लोअर एंड के ऊपर 70 न्यूटन का फोर्स, जो उसने मेंशन किया क्वेश्चन में। ठीक है, तो द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप, यानी रोप का जो मिड पॉइंट है वहाँ पर मुझे टेंशन की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो देखें जरा कैसे करेंगे, तो जब भी रोप का कोई क्वेश्चन आपके पास है, जैसे हमने इससे लास्ट वीडियो में भी जब रोप का मास कंसिडर करके क्वेश्चन किया था, तो सबसे पहले कॉमन एक्सेलरेशन आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉमन एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, देखो रोप का मास अगर 5 kg है तो नीचे एक वेट एक्ट करेगा 5 × g, ये करेगा। अच्छा, अब देखो जरा, ये 70, ये 5g, ऊपर कितना है 100 न्यूटन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन किधर होगा, एक्सेलरेशन मान लेते हैं ऊपर कि 100 न्यूटन का फोर्स ज़्यादा है तो किधर जाएगा, ये ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो, दूसरा क्या है, ऐसे मान लो इसको ऊपर 100 नीचे 70 न्यूटन, और ये कितना हो जाएगा 10 करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 50 न्यूटन। तो अगर नीचे का फोर्स ज़्यादा है तो रोप किधर मूव करेगी, नीचे की तरफ, नेट एक्सेलरेशन किधर मान लो, इधर मान लो। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखो नेट फोर्स कितना है 70 + 50 नीचे की तरफ, माइनस अपवर्ड फोर्स कितना है 100, और मास, मास किसका, रोप का, और एक्सेलरेशन मेरे पास हो जाएगा ए, तो ये वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, ये होगा 120 माइनस 100 इक्वल टू 5 × a, ये आएगा मेरे पास। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा 100 इक्वल टू 5 × a, यानी a की वैल्यू कितनी आएगी 20 m/s². ठीक है भाई, ये हो जाएगा मेरे पास 7 + 120 माइनस 100 इक्वल टू 5 × a, क्योंकि इसका मास कितना है 5 और ये हो जाएगा a, तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 20 m/s². ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। अब देखो जरा ध्यान से, इसके बाद उसने पूछा है कि जो टेंशन होगा वो हाफ रोप पे कितना होगा, है ना, तो अगर इसका हाफ मैं करता हूँ यहाँ पे, ऐसे अगर रोप का अगर मैं हाफ करता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो रोप का हाफ अगर करेंगे तो नीचे क्या एक्ट करेगा, यहाँ पे रोप का आधा मास एक्ट करेगा, आधा मास कितना होगा यहाँ से 2.5 × g, यही होगा,
पूरी रोप का मास 5 किलोग्राम, हाफ का कितना हो जाएगा 2.5, और जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और टेंशन किधर लगेगा, ये तो कॉन्टेक्ट से दूर की तरफ ही लगता है हमेशा। और नीचे क्या एक्ट करेगा यहाँ पे, और ये लग रहा है 70 न्यूटन का फोर्स, और क्या एक्ट कर रहा है नीचे 70 न्यूटन। ये कहाँ, अच्छा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 75 न्यूटन, ठीक है 25 न्यूटन, और ये 70 टेंशन ऊपर, ठीक है। उस केस में अब क्या करेंगे, देखो ये नीचे ज़्यादा तो इधर मार लेंगे एक्सेलरेशन, नीचे मार लेंगे। अब देखो जरा क्या क्या होगी, टेंशन अगर ये नीचे है तो ये दोनों फोर्स को एक साथ लिखेंगे, 70 प्लस 25 माइनस टेंशन, मास कितना 2.5 और इंटू एक्सेलरेशन ए, ये कितना हो जाएगा, ये होगा 95 माइनस टी इक्वल टू 2.5, ये कितना होगा यहाँ से 20, ठीक है। एक्सेलरेशन देख लेते हैं एक बार, सही किया हमने, ये हो जाएगा 5 इंटू जी, ये हो जाएगा 50, नीचे मेरे पास है 70, ठीक है एक बार देख लेते हैं, यही क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, ये हो जाएगा मेरे पास 5 के जी वर्टिकली, वर्टिकल पोजिशन, अपवर्ड फोर्स 100 एंड 70 न्यूटन इधर, ठीक है। तो 7 और 50 कितना हो जाएगा 12, 120, और ये कितना बचेगा 100, ये हो जाएगा 20, ये बचेगा यहाँ से 20, यहाँ से 20 आएगा, और यहाँ से ये आएगा 4, ठीक है कितना आएगा 4 आएगा। अब 4 जरा यहाँ पे रखो, तो 95 माइनस टी इक्वल टू, तो ये एक्सेलरेशन मुझे कितना दिया है यहाँ पे 4 दिया है, तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आएगा, ये आएगा 10 और ये आएगा 2, ठीक है। और इसके बाद अच्छा ये अगर 4 करेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, 100 करेंगे तो इधर कितना बचेगा 10 बचेगा, ए की वैल्यू 4 रखेंगे, 2.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है 100 बाय 10 करेंगे, पॉइंट हटा के नीचे आएगा 10 यहाँ पे, ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ये वैल्यू आएगी 10, तो टी कितना होगा, टेंशन कितना होगा यहाँ से, टेंशन होगा 85 न्यूटन, तो 95 माइनस 10 इक्वल टू 85 न्यूटन, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी 85 न्यूटन, सही है। तो ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कुछ नहीं किया मैंने, स्टार्टिंग में ये फोर्स ऊपर था, एम जी था नीचे, तो कितना हो जाएगा 50, मास होगा और नीचे लगेगा 70 न्यूटन, तो कितना हो जाएगा 70 प्लस 50 माइनस 100 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एम कितना हो गया 5 हो रही, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मास नीचे था तो मैंने एक्सेलरेशन किधर मान लिया, डाउनवर्ड मान लिया। फिर उसने पूछा कि जब रोप का मास हाफ होगा उस केस में टेंशन कितना क्रिएट होगा, तो हाफ का मतलब आधे मास को मैं ले लेता हूँ नीचे, और इसको मैंने किधर मान लिया, डाउनवर्ड मान लिया एक्सेलरेशन ए से, तो टेंशन लगेगा ऊपर कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ, इसका हाफ का 2.50 होगा 25 न्यूटन, और 70 न्यूटन किधर लगेगा नीचे, और किधर मूव कर रहा है ये रोप, नीचे की तरफ, तो नीचे वाले फोर्स को पहले लिखेंगे, नीचे मूव करेगा क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा रहा होगा, तो 70 प्लस 25 माइनस टेंशन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना लेंगे 2.5, एक्सेलरेशन पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, ए की वैल्यू रखेंगे 4, तो कितना हो जाएगा 100 बाय 10, तो कितना बचेगा यहाँ से 10 बचेगा, टी इधर लेके आएंगे 10 इधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 85 न्यूटन, और ये मेरे पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये लिख लिया होगा आपने, ये हटा देता हूँ मैं इधर से, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है देखते हैं नेक्स्ट सवाल मुझे क्या दिया है। तो क्वेश्चन में मुझे बोला है व्हाट शुड बी द मिनिमम फोर्स पी टू बी अप्लाइड द स्ट्रिंग सो दैट ब्लॉक ऑफ मास एम जस्ट बिगन टू मूव अप द फ्रिक्शनलेस प्लेन, और चार ऑप्शन आपको दिए हैं और एक डायग्राम यहाँ पे दिया है, ठीक है तो डायग्राम सबसे पहले बनाएं, कोशिश करें क्वेश्चन को करने की और फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखें, ठीक है तो चलिए ट्राई करते हैं इसको, ठीक है देखते हैं क्या दिया सवाल में, पहले फिर इसका थोड़ा सा फिगर आउट कर लेते हैं जो इसने क्वेश्चन के अंदर फिगर यहाँ पे दिया है, ठीक है ये एंगल उसने बोला है कितना थीटा है, और एक ऐसे फिक्स किया हुआ इसने स्ट्रिंग को इधर, ठीक है और यहाँ पे एक पुली ऐसे लगाई है इस तरीके से, ठीक है ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ पे दिया है, और एक रोप जो है मेरे पास वो इधर है पी, और यहाँ पे जो एंगल दिया है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ वो मुझे दिया है थीटा, ठीक है और एक रोप को भी यहाँ पे कनेक्ट किया है, और एक बड़ा सा मास यहाँ पे रखा है जिसको नाम दिया है कैपिटल एम, ठीक है तो क्या बताना मुझे मिनिमम फोर्स पी टू अप्लाइड द स्ट्रिंग, मिनिमम फोर्स की वैल्यू मुझे बतानी है कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है स्क्रीन के ऊपर भी, और फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है सिंपल, ठीक है तो देखो कैसे करेंगे, मिनिमम फोर्स पी की वैल्यू मुझे बताने की कितनी होनी चाहिए जिससे ब्लॉक एम किधर मूव कर जाए ऊपर मूव कर जाए, यानी इस पी को कितना खींचोगे जिससे एम किधर मूव करे ऊपर, सही बात है
तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो सिंपल, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो ये पी है यहाँ पे, इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, ये आएगा पी कॉस थीटा, इस पी का इधर कंपोनेंट आएगा पी कॉस थीटा रोप के साथ, और यहाँ पे भी क्योंकि रोप पूरी एक है, यहाँ पे पी फोर्स से खींचेगा तो टेंशन कितना क्रिएट होगा, यहाँ पे पी क्रिएट होगा, ठीक है। तो पी और यहाँ पे कंपोनेंट पी कॉस थीटा, ये बात समझ आ रही होगी आपको। ये अलग रोप है तो यहाँ पे टेंशन कितना मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, और यहाँ पे भी कितना होगा टेंशन, टी होगा, ठीक है। और ये कंपोनेंट होगा तो अगर आपको ध्यान हो, अगर आपको ध्यान होगा तो हम यहाँ पे चीज़ करते थे, ये एंगल होता था थीटा, और ये मेरे पास अगर होता है थीटा तो इधर क्या मानेंगे, एम जी मानेंगे, इधर कंपोनेंट क्या होता था, एम जी कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट होता था एम जी साइन थीटा, ये चीज़ होती थी मेरे पास। तो नीचे एम जी, और इधर कंपोनेंट मेरे पास क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या होगा, एम जी साइन थीटा, तो टेंशन टी। अगर आप इस पुली को ध्यान से देखोगे तो पुली का फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे लग रहा है पी, और इधर लग रहा है मेरे पास पी कॉस थीटा, और इधर मेरे पास है टेंशन टी। तो यहाँ से टी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, पी प्लस पी कॉस थीटा, किसके इक्वल होगी, पी प्लस पी कॉस थीटा। इतना काम हमने कर लिया। अब टेंशन की वैल्यू को अगर ध्यान से देखोगे तो ये टेंशन फोर्स किसके इक्वल होगा, एम जी साइन थीटा के भाई। अच्छा एक चीज़ हम और ध्यान यहाँ पे रख सकते हैं, ये जो टेंशन फोर्स है, अगर आप चाहते हो कि पुल करने पे मास ऊपर जाए तो ये टेंशन फोर्स ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि अगर बढ़ने से यही रोकेगा इसको, तो यानी टेंशन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए किससे, एम जी साइन थीटा से। सही बात है, ये टेंशन फोर्स ज़्यादा होना चाहिए किससे, एम जी साइन थीटा से। अब टेंशन मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ, कितना यहाँ पे पी प्लस पी, ये मेरे पास है कॉस थीटा, ग्रेटर देन ये मेरे पास है एम जी साइन थीटा, ये मुझे मेंशन किया गया है। पी यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, वन प्लस कॉस थीटा, और मेरे पास है एम जी साइन थीटा, तो पी कितना आएगा यहाँ से, एम जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। सही बात है। अगर मैं चाहता हूँ कि मिनिमम कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इसको मूव कराने की, तो पी तो इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, लेकिन मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम होना चाहिए एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई वन प्लस कॉस थीटा, ये होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। ये होगा पी मिनिमम, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेना, फिर इसके बाद आगे इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सही है, तो ये नोट कर लिया होगा आपने, ये मैं हटा देता हूँ उधर से, ठीक है। देखते हैं कैसे इसको करेंगे आगे। इसके बाद क्या होगा इसमें, अगर पी मिनिमम की मैं बात करता हूँ तो पी मिनिमम यहाँ लिखते हैं, पी मिनिमम देखो यहाँ पे है एम जी, ये लिख दो एम जी यहाँ पे। साइन थीटा मेरे पास क्या होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो साइन थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ से, टू साइन थीटा बाय टू और कॉस थीटा बाय टू, इस बेसिक फॉर्मूले का यूज़ करके वहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। तो एम जी ये कितना होगा, टू साइन थीटा बाय टू और होगा कॉस थीटा बाय टू, डिवाइड बाय कितना होगा यहाँ से, यहाँ से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास बचेगा वन प्लस कॉस थीटा को भी हाफ एंगल फॉर्मूला की हेल्प से ब्रेक कर सकते हैं, कितना होगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस वन, कॉस थीटा को इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पी मिनिमम कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो तो ये हो जाएगा यहाँ से एम जी, ये लिख सकते हैं टू साइन, ऊपर वाली क्वांटिटी को एज इट इज़ रहने देते हैं यहाँ पे, थीटा बाय टू और डिवाइड बाय, देखो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और एक कॉस थीटा से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पी मिनिमम यहाँ से जो बचेगा मेरे पास कितना आएगा, एक तो बचेगा एम जी और साइन थीटा बाय टू और डिवाइड बाय कॉस थीटा बाय टू, तो पी मिनिमम की कहानी क्या आएगी यहाँ से, यह आएगा एम जी टेन थीटा बाय टू। तो मिनिमम इतने फोर्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ब्लॉक को ऊपर मूव कराने के लिए, अगर टेंशन फोर्स उससे ज़्यादा होगा तो उस केस में पी मिनिमम कितना आएगा, एम जी टेन थीटा बाय टू, तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल था, तो उसको नोट कर लें आप, फिर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं, फिर चलते हैं आगे, और भी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो नोट कर लें आप इसको आराम से। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं इधर से, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन मुझे क्या मेंशन किया गया है। तो सवाल में मुझे बोला है, अ स्टंट मैन जंप हिज कार ओवर अ क्रेटर एज शोन इन फिगर और नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को यहाँ पे
कंसिडर नहीं करना है, कुछ स्टेटमेंट के फॉर्म में कुछ पूछा है यहाँ पे, इस तरीके से ऐसा कुछ दिया है यहाँ पे ये, और जो कार है कुछ इस तरह से आगे की तरफ ये मूव करेगी, है ना, कार को ऐसा कुछ मान लेते हैं इधर, ठीक है। तो ये कार कुछ ऐसे मूव करती हुई आगे जाएगी, और आपसे चार ऑप्शन दिए कि ड्यूरिंग द वूल फ्लाइट इस कार के अंदर जो आदमी बैठा होगा उसको अपना वेट फील होगा या फिर नहीं होगा, ये मुझे बताना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहानी होगी। तो देखो, गाड़ी यहाँ पर रहे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ए से बी वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में कार जहाँ पर भी रहेगी तो आदमी को हमेशा वेटलेस फील होगा। क्यों फील होगा? देखो, अगर कार इस पॉइंट के मैक्सिमम हाइट पर अगर पहुँच जाती है, सपोज कर यहाँ पर पहुँच गई, तो एम जी किधर लगेगा कार का, जैसे ये हाइएस्ट पॉइंट है तो एम जी किधर लगेगा, इधर। और आपको ये ध्यान होगा, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उस केस में एम जी तो लगेगा इधर, और सर्कुलर मोशन केस में एक फोर्स और पिक्चर में आ जाएगा जिसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो, दो फोर्स होते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, वो डिपेंड करेगा किस फ्रेम में आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो सारे फोर्स का जो नेट रिजल्टेंट होगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर मान लेते हैं। ये सब सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे एनएलएम के बाद, ठीक है। तो ये होगा एम जी, तो यहाँ पे एक इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा बाहर की तरफ, जिसकी वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर बाय आर। तो कहानी ये होगी कि इस एम जी की वजह से हमें अपना वेट फील होता है। तो जब ये कार यहाँ पे पहुँचेगी तो एम जी लगेगा नीचे, ये वेट फील होना चाहिए, लेकिन इस एम जी को कौन बैलेंस कर लेगा? एम वी स्क्वायर बाय आर बैलेंस कर लेगा। तो उस केस में ये जो आदमी गाड़ी के अंदर बैठा है उसको अपना वेट फील नहीं होगा। ये तो होगी मैक्सिमम हाइट की बात। अब कार यहाँ पर हो, ए से बी के किसी भी पॉइंट पर अगर होगी, जैसे कार अगर यहाँ पर होती है इस तरीके से, तो यहाँ पे सीधा एम जी किधर लगेगा? नीचे। एम जी किधर लगेगा? नीचे लगेगा एम जी, ये लगेगा यहाँ पे एम जी। एम जी नीचे लगेगा और ये एंगल थीटा है, तो कंपोनेंट इधर कितना आएगा? एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पे भी भार लगेगा एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। इस पॉइंट पे एम जी लगेगा नीचे, ये एंगल थीटा, तो कितना हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा, ये इसका एम जी है, और भार क्या लगेगा? एम वी स्क्वायर बाय आर। ये लाइन कहाँ से पास होगी? सेंटर से। तो हर एक पॉइंट पे एम वी स्क्वायर बाय आर को कौन बैलेंस करेगा? एम जी कॉस थीटा बैलेंस करेगा। इसलिए जब तक ये जो कार है इसके अंदर जो आदमी बैठा है ए से बी तक जंप करेगा, इसको हर एक पॉइंट पे वेटलेस फील होगा, इसके बीच में कहीं पर भी इसको अपना वेट फील नहीं होगा, ठीक है। तो इन अ कंप्लीट जर्नी मैन वेट लेस। तो कंप्लीट जर्नी में जो इसके अंदर आदमी बैठा है उसको अपना वेट कैसा फील होगा? वेट लेस फील होगा, कोई भी वेट फील नहीं होगा, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था तो उसमें ऑप्शन नंबर ए मेरे पास क्या हुआ? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको नोट कर लिया, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, ये हटा देता हूँ मैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था थोड़ा सा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है। फ्लेक्सिबल चैन ऑफ वेट डब्ल्यू हैंग बिटवीन टू फिक्स एंड ए एंड बी, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, इंक्लिनेशन दिया है थीटा, व्हाट इज द टेंशन द चैन एट द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के ऊपर टेंशन मुझसे पूछिए, और फिगर कुछ इस तरीके से मुझे दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चैन है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये चैन यहाँ पे लगा है ऐसे, इसको चैन को ऐसा लगाया है, ठीक है, और ये एंगल यहाँ पे दिया है थीटा, और ये भी कितना दिया है थीटा। चैन इन द सेंस, इसको चैन के फॉर्म में ऐसे मान सकते हो आप। तो मुझे क्या बताना है? टेंशन बताना है चैन एट द मिड पॉइंट कितना होगा, ठीक है। ये पॉइंट है यहाँ पे ए, इस पॉइंट को उन्होंने बोला है बी, ठीक है, और किस कंडीशन पे? रेस्ट के कंडीशन पे है। अब अगर यहाँ पे एंगल थीटा है और मिड पॉइंट पे मुझे क्या बताना है? टेंशन बताना है कितना क्रिएट होगा। तो मिड पॉइंट के लिए पहले इसको मिड पॉइंट पे बना लेते हैं। तो चैन का अगर मैं एक पार्ट यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, देखो जब ये चैन के ऊपर यहाँ पे लटका होगा, चैन ऐसे फिक्स होगी, तो एम जी इसका लग रहा होगा नीचे, और टेंशन इसमें थोड़ा सा क्रिएट हो रहा होगा। तो टेंशन किधर लगेगा? देखो जैसे यहाँ पे कनेक्टेस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो टेंशन लगेगा इस तरफ, इस तरीके से, ठीक है। और इसको अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पे सिंपल, तो अगर ये एंगल थीटा है तो सिमिलरली ये एंगल भी कितना मान सकते हैं? थीटा मान सकते हैं। ये एंगल थीटा तो ये भी कितना होगा? थीटा। तो टी का एक कंपोनेंट करेंगे, कितना आएगा? टी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट वर्टिकल आएगा जिसका नाम है टी साइन थीटा। ये कहानी इस पॉइंट के ऊपर होगी यहाँ पे, ठीक है। अगर हाफ पे मुझसे पूछा है तो हाफ बनाना पड़ेगा पहले यहाँ पे। तो चैन इधर है तो ये होगा यहाँ पे हाफ, तो चैन कुछ इस तरीके से होगी यहाँ पे, ठीक है, चैन इस तरीके से होगी। अच्छा, पूरी चैन का मास है डब्लू, तो हाफ का कितना होगा? डब्लू बाय टू। तो हाफ चैन की बात करेंगे तो इसके कहीं मिड पैक्ट करेगा डब्लू बाय टू, किधर एक्ट करेगा? डब्लू बाय टू, इस वेट की मैंने बात की है। और टेंशन किधर जाएगा? कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ। इसको टेंशन क्या बोल देते हैं?
इसको बोल देते हैं सिंपल T1। क्या बोल देंगे इसको, टेंशन को T1। भाई हाफ चैन के लिए मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, टेंशन हो गया T1। और इस पॉइंट के ऊपर ऊपर कंपोनेंट कितना है यहाँ पे, T sin थीटा, और यहाँ पे कितना है, T cos थीटा। ऐसे कुछ कहानी यहाँ पे होगी, इसलिए सिस्टम किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ से अगर T1 की बात करूँगा, T1 की, तो T1 किसके इक्वल होगा यहाँ से, इस हॉरिजॉन्टल फोर्स के, T cos थीटा। इसको बोल देंगे इक्वेशन 1। और T sin थीटा किसके इक्वल होगा, इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, इसको बैलेंस कर रहा होगा ये W/2। तो W/2 क्या होगा, T sin थीटा, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से T की वैल्यू कितनी आएगी, T आएगा W/2 sin थीटा, ये T में निकाल चुका। मुझे इसी T1 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, T1 की। क्वेश्चन ने हाफ चैन के हाफ पे पूछा है टेंशन कितना क्रिएट होगा, इस T की वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं। तो T1 कितना आएगा, ये आएगा W/2 sin थीटा, और वहाँ पे मुझे दिया है cos थीटा। तो T1 कितना हो जाएगा, W/2 cos थीटा / sin थीटा कितना होता है, ये मेरे पास होता है cot थीटा। ठीक है, तो एट द मिड पॉइंट ऑफ द चैन टेंशन विल बी क्रिएट W/2 cot θ। तो ये क्वेश्चन मुझे दिया था, ठीक है, तो उसको नोट कर लो आप, सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये लिख लिया होगा आपने, तो टेंशन कितना हो जाएगा W/2 और यहाँ पे cot θ। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल मुझे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है मुझे, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया है, टू मैन, अच्छा मल्टीपल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो सकता है, ये वन बाय वन चेक करना पड़ेगा हमें। टू मैन ऑफ अन इक्वल मास होल्ड टू द टू सेक्शन ऑफ द लाइट रोप पासिंग ओवर ए स्मूथ लाइट पुली, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल। ठीक है, तो ये पुली बनी है यहाँ पे सिंपल इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे, और एक ये बना है यहाँ पे डायग्राम, ठीक है, और एक यहाँ पे है लाइट पर्सन ऐसे यहाँ पे फिक्स है, और एक रोप यहाँ पर है और एक यहाँ पे फिक्स है इस तरीके से। ठीक है, तो पहले इसने ऑप्शन में दिया है द लाइट मैन इज स्टेशनरी वाइल द हैवियर मैन स्लाइड विद सम एक्सेलरेशन। तो इसको मैं थोड़ा हैवियर मान लेता हूँ, इसको मास मान लेता हूँ M, इसका मास मान लेते हैं m। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले केस में जैसे इसने ऑप्शन नंबर ए में बोला है द लाइटर मैन स्टेशनरी, तो ये लाइटर मैन है क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल M की वैल्यू है वो बड़ी है एज कम्पेयर टू M, तो लाइटर मैन स्टेशनरी, लेटर मैन को क्या मानेंगे, स्टेशनरी मानेंगे। फिर हम देखेंगे कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन किधर आता है। देखो एक्चुअल में होगा ये कैपिटल M वाला तो इधर जाएगा और एक इधर जाएगा ऊपर की तरफ, सिचुएशन ये होगी रियल में। और इसका mg किधर लगेगा, नीचे, और टेंशन किधर लगेगा, ऊपर। इसका mg किधर लगेगा, नीचे, और टेंशन किधर लगेगा, ऊपर। ऐसे कुछ कहानी होगी, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर लेटर मैन को स्टेशनरी मानेंगे तो उस केस में ये जो एक्सेलरेशन है ये वाला तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जीरो होगा तो इस केस में जो टेंशन की वैल्यू होगी स्मॉल m g के बराबर होगी। यहाँ पर अगर लाइटर मैन को स्टेशनरी मान लेते हैं तो ये जो टेंशन होगा mg के इक्वल होगा। और यहाँ पे कहानी क्या होगी, देखो अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो ये फोर्स बड़ा होगा, तो कैपिटल mg - t = M a, ये लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो MG - MG = M a, ये कहानी होगी। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन देखना है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो क्या लिखूँगा, जी कॉमन लेके M - M g और डिवाइड बाय कैपिटल M, ये मेरे पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी मिलेगी आपको। जीरो से बड़ी मिलने का मतलब ये तो मास ज़्यादा है, तो निगेटिव करेंगे तो वैल्यू जीरो से बड़ी आएगी। तो एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब कैसा है, पॉजिटिव, यानी अगर लेटर मैन स्टेशन रहेगा तो ये किधर मूव करेगा, कैपिटल M किधर मूव करेगा, ये मूव करेगा डाउनवर्ड। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में क्या दिया है। तो ऑप्शन में दिया है द लेटर मैन स्टेशनरी वेल द हैवी मैन स्लाइड विद सम एक्सेलरेशन। तो खाली इतनी कंडीशन दी है, स्लाइड विद सम एक्सेलरेशन, सही बात है स्लाइड। तो ये किधर मूव करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो से बड़ा है तो किधर मूव करेगा, ऊपर की तरफ। अगर जीरो से कम होता एक्सेलरेशन किधर मूव करता, डाउनवर्ड, तो क्लाइम करेगा इसके ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरे केस में ये बोला है, दूसरे केस में बोला है कि अगर हैवी मैन स्टेशनरी हो जाए, है ना, बी केस में क्या बोला है, हैवियर मैन स्टेशनरी है। ठीक है, ऑप्शन को ध्यान से देखोगे, अगर हैवी वाला मास स्टेशनरी हो जाए तो उस केस में टेंशन किसके इक्वल होगा, कैपिटल M जी के इक्वल होगा। और ये किधर मूव कर रहा है, ऊपर, तो टेंशन बड़ा होगा यहाँ पे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, -MG = MN2, ये कहानी होगी। टी की वैल्यू रखो जरा यहाँ पे, एम जी
एम जी ए कितना आएगा, ये बचेगा जी और डिवाइड बाय कितना होगा स्मॉल एम, और ये क्या होगा एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे सिंपल, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम जी बाय एम। तो यहाँ से भी अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा आपको, जीरो से बड़ा मिलेगा, एम की वैल्यू ग्रेटर देन है स्मॉल एम से। उस केस में भी जो लाइटर मैन होगा वो भी क्या होगा ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो यानी बी ऑप्शन भी मेरे पास क्या होगा करेक्ट होगा भाई। अपवर्ड एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब लाइटर मैन किधर मूव करेगा, रोप पे ऊपर की तरफ, तो ये भी सही है। तो ए और बी दोनों करेक्ट होंगे यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटी दी है, द टू मैन राइड विद द सेम एक्सेलरेशन इन द सेम डायरेक्शन। तो देखो सेम डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रहे, अगर कैपिटल एम वाला मास नीचे मूव करेगा एक्सेलरेशन के साथ तो जाहिर सी बात है स्मॉल एम वाला मास किधर जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो सी ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता, द टू मैन मूव विद एक्सेलरेशन ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड इन द अपोजिट डायरेक्शन। हाँ ये बात सही है, दोनों केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करेंगे, तो यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी और डी तीनों कैसे होंगे यहाँ पे, तीनों बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। ये कर सकते हैं यहाँ पे, सही बात है। तो ये आप कर लो, इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए लिख लिया होगा आपने तो समझ आया होगा क्वेश्चन आपको, तो एक्सेलरेशन दोनों का कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या सवाल दिया है मुझे, क्वेश्चन में मुझे बोला है अ फोर्स एफ अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम वन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द सेम फोर्स अप्लाइड टू द सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेशियो एम वन बाय एम टू। पहले पार्ट में ये पूछा है और दूसरे पार्ट में अगर दोनों को कंबाइन कर दे, देन दोनों को कंबाइंड अगर कर दें फाइंड देयर एक्सेलरेशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एफ, ठीक है। अच्छा तो एम वन एक मास है, उसके ऊपर एक फोर्स लगा है, एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर, ठीक है। तो उस केस में आप कितना लिख सकते हैं, m into a का मतलब m1 into 3। और दूसरा बोला है द सेम फोर्स अप्लाई टू द सेकेंड ऑब्जेक्ट m2, यानी सेम फोर्स अप्लाई किया है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर और एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे 1, ये दिया है। और m1 और m2 का रेशियो बताना है कि m1 by m2 कितना हुआ, ठीक है। तो उसको मान लो 1, इसको मान लो 2, डिवाइड करो इनको, तो डिवाइड करेंगे f by f होगा, ये बचेगा 3m1 और ये कितना होगा यहाँ से m2, तो इससे कैंसिल, तो m1 बाय m2 कितना आएगा, ये आएगा 1/3। तो पहले पार्ट का तो आंसर ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट मुझसे क्या पूछा है, सेकंड का पार्ट में मुझसे पूछा है कि अगर इफ़ m1 एंड m2 कंबाइंड फाइंड देयर एक्सेलरेशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एफ, अगर दोनों को कंबाइन कर दें, तो कंबाइंड होने के केस में फोर्स लग रहा है सेम, यानी m1 प्लस m2 और ये होगा एक्सेलरेशन। क्या पूछा है मुझसे, फाइंड देयर एक्सेलरेशन, कॉम्बाइंड एक्सेलरेशन मुझसे पूछा है, ठीक है। तो f इक्वल टू, अच्छा यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास m2 होगा वो 3m1 के बराबर होगा, यहाँ से m2 इक्वल टू 3m1, तो इस m2 की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये होगा m1 प्लस m2 होगा 3m1 और यहाँ से आएगा a, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, f डिवाइड बाय ये हो जाएगा 4m1, ये बचेगा f बाय 4m1। एफ की वैल्यू कितनी होगी, इक्वेशन 1 से एफ की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि m1 को मुझे नेगलेक्ट करना है, इसको हटाना है यहाँ से, तो इसको क्या करेंगे m1 into 3, इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू यहाँ पे रखी, ये मेरे पास है 4m1, m1 से m1 कैंसिल, a कितना आया 3/4 m/s² ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए में रेशियो आ गया 1/3 और सेकंड पार्ट में जो आंसर आया एक्सेलरेशन का 3/4 m/s², ठीक है। तो इसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये नोट कर लिया होगा सबने, m1 m2 और एक्सेलरेशन इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सवाल दिया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में दिया है कंसिडर द शोन अरेंजमेंट, फ्लो कैन बी कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग इज बीइंग मूव वर्टिकली बाय द फोर्स एफ, ठीक है। तो दोनों का मास दिया है 1 किलोग्राम, तो कहानी ऐसे है, ये दिया है ए मास, है ना, ए का मास कितना दिया है डायग्राम में देखेंगे अगर आप, 2 किलोग्राम, और यहाँ से रोप कनेक्ट है, रोप का भी मास यहाँ पे मेंशन है, उसके बाद दूसरा मास नीचे कनेक्ट है जिसका मास भी कितना है 2 किलोग्राम, और ये कितना है 500 ग्राम, ऊपर फोर्स कितना है 54 न्यूटन, ठीक है। तो टेंशन पूछा है मिड पॉइंट पे,
कितना होगा, यानी मिड पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू पूछे कितनी होगी, ठीक है। तो इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, सबसे पहले करते आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन को, और सवाल में बोला है कि इधर मूव कर रहा है वर्टिकली, अपवर्ड मूव कर रहा है, तो सबसे पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँगा तो नीचे कितने फोर्स लगेंगे, एक तो 2 किलोग्राम मास ये है, प्लस एक मास ये है, और प्लस 500 को क्या लिख सकते हैं बाय 1000, कितना बचेगा 0.5 किलोग्राम, यानी यहाँ पे ऐड करेंगे 0.5 और यहाँ से जी से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 4.5 × g, कितना हो जाएगा 4.5 × g, यानी 4.5 × 10, और ये कितना आएगा, ये आएगा 45 न्यूटन, ये लिख सकते हैं यहाँ से सिंपल। अच्छा, अब यहाँ से कॉमन एक्सेलरेशन अगर निकालेंगे तो ये किधर मूव कर रहा है, ऊपर मूव करेगा, तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स कितना होगा 54 माइनस ये वाला 45 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 0.5 और ये मेरे पास आएगा एक्सेलरेशन, मास कितना होगा टोटल 54, ये आएगा 4.5 × a, ये कितना बचेगा, ये आएगा 9, 4.5 × a, मास कितना है 4.5, ये g है ना यहाँ पे m × g, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 m/s², यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे कॉमन, तो पूरे ऑब्जेक्ट का मोशन का एक्सेलरेशन कितना है 2 m/s². इसके बाद मिड पॉइंट पर मुझसे पूछा है कि जब ये पार्टिकल मिड पॉइंट पर होगा तो टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, मिड पॉइंट का मतलब इसका हाफ, तो मैं क्या करता हूँ ऊपर वाले पार्ट को कंसिडर करता हूँ, तो देखो जरा ध्यान से, ये है 2 किलोग्राम, ऊपर फोर्स कितना है 54 न्यूटन, इसका FBD बना लेंगे सिंपल, और टेंशन किधर लगेगा, नीचे लगेगा, और यहाँ पे और क्या करेगा नीचे की तरफ, 2 किलोग्राम 54 टेंशन T, और रोप का जो मास होगा, यानी इसका अगर मैं हाफ करता हूँ 0.5 का, तो कितना होगा 0.5, ये होगा 250 बाय 1000, जीरो कितना बचेगा 0.25, कितना हो जाएगा 0.25, तो ये होगा 0.25 g, ये कहानी होगी, और एक्सेलरेशन किधर लगेगा, ये तो ऊपर की तरफ, ये यहाँ पे सिंपल, ठीक है, और तो कोई फोर्स लगेगा यहाँ पे, इसका भी लगेगा यहाँ पे 2 × g, तो mg तो 2 किलोग्राम मास का, रोप का टेंशन नीचे, और आधी रोप का जो मास होगा उसका भी mg किधर लगेगा, नीचे लगेगा, और ऊपर कितना फोर्स है 54, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ऊपर है तो फोर्स बड़ा होगा, 54 माइनस ये हो जाएगा 2.25 g, दोनों मास को ऐड करके मैंने लिख दिया यहाँ पे सिंपल, और माइनस t इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, तो मास कितना होगा यहाँ से 2.25 और इंटू a, ठीक है, 2.25 × a, इतना मास यहाँ पे बचेगा, ठीक है, तो उसको आप नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे मैं वहाँ पे करता हूँ, ठीक है, सही है, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं इधर से, तो टेंशन निकालना है मिड रोप पे, ठीक है, देखते हैं इसके बाद कैसे करेंगे। तो अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ से आएगा 54 माइनस यहाँ से बचेगा 2.25 g रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 22.5 ये आएगा, और इसके बाद है माइनस t इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2.25, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है, ये निकाली मैंने a की वैल्यू यहाँ से 2, a की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, ये आएगा 31.5 t इक्वल टू ये कितना होगा 4.5, 2.25 × 2 कितना बचेगा 4.5, इसको इधर लेके आएंगे तो टेंशन कितना आएगा 31.5 माइनस 4.5 यानी t कितना आएगा 27 न्यूटन, ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 न्यूटन, और यही मुझसे सवाल है पूछा था कि मिड पॉइंट के ऊपर टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, 27 न्यूटन, ठीक है, तो ये था सवाल, इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये नोट कर लिया होगा सबने, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आएगी 27 न्यूटन, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखते हैं क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास, ठीक है। तो देखो, इन द सिस्टम शोन इन फिगर हॉरिजॉन्टल फोर्स मैग्नीट्यूड एफ एक्ट 8 kg ऑब्जेक्ट, द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, फॉर व्हाट वैल्यू एफ एक्स डज द 2 किलोग्राम ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड अपवर्ड, ठीक है, एक पार्ट में ये पूछा है एफ एक्स की किस वैल्यू के लिए 2 किलोग्राम वाला जो मास है यहाँ पे वो अपवर्ड मूव करना चाहिए, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू एफ एक्स इज द टेंशन इन द कॉर्ड इज 0, ठीक है, तो दोनों कंडीशन मुझसे पूछे, अच्छा क्वेश्चन है, तो ट्राई करें इसको एक बार करने का, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखें, सही है, तो मैं फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल, और देखते हैं क्या पूछा है सवाल में, ऐसा कुछ दिया है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे दिया है मेरे पास एक ब्लॉक है 8 किलोग्राम, एक फोर्स लगेगा यहाँ पे
एफ एक्स और यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा ए एक्स, इसको मैं ए मान लेता हूँ। और यहाँ से अगर रोप कनेक्ट होगी, ये होगा इधर और यहाँ से कनेक्ट होगा ये, जिसका मास होगा कितना 2 किलोग्राम। कितना मास होगा इसका यहाँ पे 2 किलोग्राम, ठीक है। तो व्हाट वैल्यू एफ एक्स डज द 2 किलोग्राम ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड। तो पहले पार्ट की बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे दिया है और एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ने कितना मान लिया, ए मान लिया है, ठीक है। ये सवाल मुझे दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं सिंपल। तो रोप तो पूरी एक है तो टेंशन तो एक रहेगा इसके अंदर, ये होगा टेंशन टी, यहाँ पे भी होगा टेंशन टी, नीचे लगेगा एम जी। और अपवर्ड मूव कराना है इस एक्सेलरेशन से, ये ऐसे जाएगा तो ये भी कितने से जाएगा, ये भी ऐसे जाएगा सिंपल, ठीक है। तो अगर इसके इक्वेशन लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, देखो एफ एक्स माइनस टी इक्वल टू 8 into a, ये लिखेंगे। और इसके इक्वेशन क्या लिखेंगे, टी माइनस 2g इक्वल टू 2 into a। भाई एक इक्वेशन यहाँ से, एक इक्वेशन यहाँ से, ठीक है। इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2, सिंपल, ठीक है। दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ऐड करने पे क्या मिलेगा, एफ एक्स माइनस 2g, ये निगेटिव ये पॉजिटिव तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 10 into a। तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, एफ एक्स माइनस 2g डिवाइड बाय 10, ये मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर पहले पार्ट को ध्यान से देखो आप, तो पहले पार्ट में वो बोलना चाहता है कि जो 8 किलोग्राम वाला मास है वो अपवर्ड मूव करना चाहिए, 2 किलोग्राम वाला मास जो है वो किधर मूव करना चाहिए, अपवर्ड। तो 2 किलोग्राम वाला मास अपवर्ड कब मूव करेगा, अगर 8 किलोग्राम वाला मास राइट डायरेक्शन में मूव करे, राइट का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो उस केस में इस एक्सेलरेशन को मैंने राइट को पॉजिटिव माना है, पॉजिटिव होने का, ये पॉजिटिव कब होगा, अगर एफ एक्स की जो वैल्यू है मेरे पास वो ग्रेटर देन किससे हो जाए 2g, एफ एक्स की वैल्यू अगर 2g से बड़ी होगी तभी एक वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिलेगी, अदरवाइज ये 0 मिल सकती है या फिर निगेटिव मिलेगी। निगेटिव का मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है, अपवर्ड मूव करने की, ये कहानी होगी। तो एफ एक्स इक्वल टू 2g की वैल्यू 10 रखेंगे तो जो एफ एक्स मेरे पास होगा ग्रेटर देन किससे होगा, 20 न्यूटन से। तो एक कंडीशन तो ये होगी मेरे पास कि एफ एक्स डायरेक्शन का जो फोर्स है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, 20 न्यूटन से, ठीक है। बी पार्ट देखो ध्यान से, बी पार्ट में क्या बोला है कि किस बी पार्ट पे देख लेते हैं, बी पार्ट में क्या पूछा है मुझसे, टेंशन की वैल्यू शायद यहाँ पे पूछी होगी। फॉर व्हाट वैल्यू एफ एक्स इज द टेंशन इन द कॉर्ड इज 0। तो एफ एक्स के किस वैल्यू के लिए कि कॉर्ड के अंदर जो टेंशन है वो क्या हो जाए, वो 0 हो जाए। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं कि पहले यहाँ पे टेंशन की इक्वेशन को देख लेते हैं क्या आएगी, ठीक है। तो बी पार्ट को मैं यहाँ पे इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ से टी की वैल्यू देखते हैं कितनी मिलेगी मुझे, फिर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि टेंशन 0 होने की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन 1 थी, 2 थी, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सेकेंड इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 7 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना आएगा 4t माइनस 8g, ये हो जाएगा 8a, यही आएगा। ऊपर वाली इक्वेशन तो एज इट इज रखेंगे, एफ एक्स माइनस टी इक्वल टू 8 into a, ठीक है। इसको माइनस कर देते हैं, प्लस ये हो जाएगा माइनस, कैंसिल आउट, कितना बचेगा 4t माइनस एफ एक्स माइनस 8g प्लस टी इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 5t इक्वल टू एफ एक्स प्लस 80, ये आएगा 5t इक्वल टू एफ एक्स प्लस 80, ठीक है। तो ये नोट कर लें, फिर इसके बाद में इधर कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा आपने, देखते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं इधर से डायग्राम को। तो कहानी जो मेरे पास बनेगी वो आएगा मेरे पास ये, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, टी हो जाएगा मेरे पास एफ एक्स प्लस 80 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 5। टेंशन की वैल्यू ये आएगी मेरे पास एफ एक्स प्लस 80 डिवाइड बाई 5। तो कहने का मतलब कि अगर टेंशन 0 चाहते हो तो एफ एक्स एक तो क्या होना चाहिए, इक्वल टू माइनस 80 होना चाहिए, माइनस 80 का तभी 0 आएगा, माइनस 80 न्यूटन, और या फिर क्या हो, माइनस 80 न्यूटन से क्या हो, छोटा हो, है ना। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो उस केस में टेंशन मेरे पास क्या मिलेगा, 0 मिल सकता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन था। तो एक्सेलरेशन भी हमने देख लिया और टेंशन फोर्स के लिए 0 होने के लिए एक्स की वैल्यू भी देख ली कितनी होगी, तो दोनों केस में ये वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी, ठीक है। तो नोट कर लो आप इसको, अच्छा क्वेश्चन था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, हटा देता हूँ मैं इधर से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है।
वैन एक्सलेटेड डाउन अ हिल फ्रॉम रेस्ट 30 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड, ठीक है। ड्यूरिंग द एक्सलेशन टॉय मास दिया है हैंग्स बाय स्ट्रिंग फ्रॉम द वैन सेलिंग, एक्सलेशन इज सच डैट द स्ट्रिंग रिमेन परपेंडिकुलर टू द सेलिंग डिटरमाइन द एंगल थीटा एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये मुझे दिया है, ठीक है। तो डायग्राम कुछ ऐसे है, पहले डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर सिंपल। ये एंगल मेरे पास कितना होगा, थीटा, सही है। और एक कार मुझे यहाँ पे मेंशन करी गई है इस तरीके से, एक कार दी गई है और इसके अंदर जो एंगल मुझे दिया है वो कुछ ऐसे दिया है, है ना। एक लाइन है सिंपल वर्टिकल ऐसे, और एक बॉब यहाँ पे लटका है जिसका मास कितना है m, है ना। और ये एंगल मुझे कितना दिया है यहाँ से, ये मुझे दिया है थीटा, सही है। तो डिटरमाइन द एंगल थीटा एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और स्पीड मुझे कितनी दी है यहाँ से, ये दिए 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दिया है 6 सेकेंड, और रेस्ट से स्टार्ट करता है, ठीक है। तो कार के डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ इस तरीके से। तो एंगल थीटा और टेंशन स्ट्रिंग के अंदर पूछा है कितना होगा, ठीक है। देखो जरा, सबसे पहले ये रेस्ट से स्टार्ट करता है, तो रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब इनिशियल स्पीड कितनी होगी यहाँ पे, जीरो। फाइनल स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड, और टी कितना है यहाँ पे, 6 सेकेंड, ये उसने बोला है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं इसका, कितने एक्सेलरेशन से नीचे मूव करेगा, v इक्वल टू यू प्लस एटी कर सकते हैं। वी की वैल्यू होगी 30, जीरो, एक्सेलरेशन कितना होगा निकालना है, और टाइम कितना है 6, ए कितना आएगा 30 बाय 6, यानी ए की वैल्यू कितनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितनी होगी ए की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरे पास वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ से देखता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम बना के, तो एक तो एम जी किधर लगेगा यहाँ पे, अगर इस गाड़ी की बात करते हैं तो एम जी होगा इधर, अच्छा। एक ऐसे लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ सिंपल, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा थीटा, ये कितना होगा एम जी कॉस थीटा, भाई ये एम जी होगा, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, और इधर क्या होगा एम जी साइन थीटा, ये कर सकते हैं। तो इस केस में जो नेट एक्सेलेरेशन होगा, इस केस में नेट एक्सेलेरेशन देखो, इधर डाउनवर्ड में एक ही फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा, जो उसको नीचे लेके जाएगा, तो नेट फोर्स कितना होगा एम जी साइन थीटा और मास इंटू एक्सेलेरेशन, इस कहानी ये होगी यहाँ पे, है ना। बॉब की अगर बात करेंगे तो गाड़ी के लिए बात कर रहे हैं सिंपल, तो एम जी, एम जी कॉस थीटा, और नीचे क्या आएगा एम जी साइन थीटा, तो एम से एम कैंसिल, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, ये आएगा ए बाय जी, क्योंकि एंगल मुझसे पूछा है कितना होगा, दोनों एंगल इक्वल है बिल्कुल, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। ए की वैल्यू होगी 5, जी की वैल्यू होगी 10, ये होगा 1/2, और थीटा के केस में वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगी। तो पहले पार्ट में जो आंसर मेरे पास आएगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। बी पार्ट का आंसर देखते हैं, बी पार्ट में पूछा है कि इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना क्रिएट होगा, तो स्ट्रिंग का टेंशन देखने के लिए तो सिंपल इसको बना सकते हैं, मैं इधर बना देता हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है। ये मास यहाँ पे, ये एंगल मेरे पास होगा थीटा, तो अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ सिंपल, और उसने सवाल में बोला है कि ये इधर उधर मूव नहीं करेगा, ये बॉब सिंपल इसी पोजीशन पे फिक्स रहेगा, ठीक है। और इस लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पे, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना होगा यहाँ से, थीटा होगा, इसका एम जी लगेगा नीचे, इधर आएगा एम जी कॉस थीटा, और टेंशन किधर लगेगा इसमें, ऊपर की तरफ, तो टेंशन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एम जी कॉस थीटा की, भाई ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे एम जी कॉस थीटा, और टेंशन किधर लगेगा, ऊपर, सही है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये नोट कर लें आप, ये डायग्राम मैं हटा देता हूँ उधर से, ठीक है। चलिए लिख लिया होगा आपने, ये हटा देते हैं इधर से। तो देखो एम जी कॉस थीटा किसके इक्वल, टेंशन के, तो टी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एम जी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगी, और टी, एम कितना दिया है 0.100 किलोग्राम, जी की वैल्यू मेरे पास 10 है, और ये हो जाएगा कॉस 30, यही है एंगल में निकाल चुका हूँ 30 यहाँ से, तो टेंशन कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो ये पॉइंट हटाएंगे कितनी वैल्यू आएगी 1, 2, 3, तो 0, 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो टी किसके इक्वल आएगा, कॉस 30, कॉस 30 किसके इक्वल होता है, ये मेरे पास होता है रूट 3/2 इतना न्यूटन, कितना हो जाएगा रूट 3/2, ठीक है। तो दो ही चीज़ें मुझे निकालनी थी, एक तो निकालना था एंगल और दूसरा निकालना था टेंशन। तो टेंशन कैसे निकालेंगे, ये जो स्ट्रिंग यहीं पे फिक्स रहेगी, एम जी का कंपोनेंट और टेंशन ऊपर, तो टी की वैल्यू किसके इक्वल, एम जी कॉस थीटा के इक्वल, तो टेंशन फोर्स हो जाएगा रूट 3/2 न्यूटन, यही वैल्यू मुझसे सवाल में पूछी थी, ठीक है। तो उसको आराम से नोट कर लो आप, अच्छा क्वेश्चन है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, तो
ये आ जाता टेंशन फोर्स। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है। ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, अगर ये आप कर पा रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो जरा इसके बाद क्वेश्चन मुझे दिया है, फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द अपर पुली इफ एफ इक्वल टू 30 t, वेट इज द टाइम इन द सेकंड, फाइंड द टाइम व्हेन m1 लॉस कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर। सारी पुली कैसी हैं आइडियल है, तो क्वेश्चन का डायग्राम मैं बना देता हूँ और आपको दिखेगा यहाँ पे इस तरीके से पुली बनी है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना है। ठीक है, ये मेरे पास सेंटर पे, ठीक है ये सेंटर पे इस तरीके से होगा ये, और f लगा है ऊपर और f की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये मेरे पास है 30 t न्यूटन। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ से और ये कनेक्ट होगा यहाँ पे, एक पुली और यहाँ पे लगी है, फिगर में थोड़ा सा मिस आउट है, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, और एक इधर तरीके से ये हो गया सीधा M2 और यहाँ पे बनाए फ्लोर, इस तरीके का डायग्राम दिया है और यहाँ पे एक और मास लगा है M1, ऐसे कुछ कहानी है सवाल में। ठीक है, तो मुझसे पूछा है कि टेंशन कितने टाइम में ये M1 जो है वो अपना यहाँ से कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देगा, तो लूज कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, लूज कॉन्टैक्ट यानी नॉर्मल तो कितना होना चाहिए, जीरो होगा। दो ऑब्जेक्ट के बीच का अगर कॉन्टैक्ट फोर जीरो हो जाता है तो उस केस में नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप ध्यान से देखो तो पूरी रोप एक दिखाई देगी आपको, ये चलेंगे यहाँ से पूरी रोप, अगर यहाँ से चलेंगे ये देखो पूरी रोप ये एक है, तो इस पूरी रोप के अंदर टेंशन कैसे रहेगा, सेम रहेगा, सॉरी यहाँ से कॉन्टैक्ट होगा टेंशन होगा टी, कॉन्टैक्ट से दूर होगा टेंशन टी, अच्छा ये रोप से टेंशन होगा टी इधर, पूरी रोप एक है। ठीक है, ऐसे कुछ कहानी होगी यहाँ पे, और इस कॉन्टैक्ट से भी टेंशन किधर होगा, टी इधर होगा, ये हो गया। अब यहाँ पे रोप अलग है, टेंशन टी ये कितना हो जाएगा 2 times of t, ये भी कितना होगा 2 times of t। M1 का जो मास दिया है मुझे दिया है क्वेश्चन में 4 kg, M2 का मास कितना दिया है, ये दिया है 1 kg। ठीक है, तो उसने बोला कि जो ये वाला मास है 4 kg वाला, इसका लूज कॉन्टैक्ट नॉर्मल की कंडीशन का होनी चाहिए जीरो, तो इस केस में इसका नीचे एक्ट करेगा यहाँ पे मास 4g। ठीक है, तो लूज कॉन्टैक्ट वर्क कब होगा, मिनिमम स्टार्टिंग कंडीशन पे आओगे जस्ट अबाउट टू मूव, तो ये टेंशन फोर्स इसके इक्वल होगा, यानी 2t की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 4g के इक्वल, तभी कॉन्टैक्ट लूज होने वाला होगा इसका, जस्ट नॉर्मल जीरो हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 20 न्यूटन, ये आ गया टेंशन फोर्स। ठीक है, अब मुझसे पूछा कितने टाइम में इसको लूज कर जाएगा, तो टाइम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो अगर पुली का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो ऊपर फोर्स है कितना 30 t, और नीचे टेंशन कितना है 1, 2, 3, ये कितना हो जाएगा 3 into t, तो 30 t इक्वल टू टेंशन होगा 3 into 20, कितना हो जाएगा 60, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 60/30, यानी टी कितना आएगा 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बाद ये जो कॉन्टैक्ट है यहाँ से 4 kg वाला मास अपना लूज कर देगा और आंसर कितना आएगा 2 सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन था मेरे पास, अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लें इसको, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, तो टेंशन कितना, टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सेकेंड। ठीक है, तो उसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट सवाल में मुझे बोला है कि इंक्लाइन प्लेन मेक एन एंगल 30 degree विद हॉरिजॉन्टल, अ ग्रूव इज मेक OA 5 cm कट इन द प्लेन, मेक एन एंगल 30 degree विद OX, अ शॉर्ट ग्रूव सिलेंडर फिर टू स्लाइड डाउन इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, फाइंड द टाइम टेकन बाय द सिलेंडर टू रीच A2O, जी के वैल्यू दिए 10 m/s². अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो ट्राई करें आप इसको एक बार, और इसका थोड़ा सा 3D में आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले फिगर बना लेते हैं जैसा क्वेश्चन में दिया है, इस फिगर को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूँ आपको। ठीक है, ऐसा कुछ दिया है मुझे सिंपल ऐसा करके, ठीक है ये सीधा है इधर इस तरीके से, और फिर ये बना है यहाँ पे, और ये हुआ है इधर। ठीक है, और यहाँ से एक रोप ऐसे लिए इन्होंने इस तरीके से, ये रहा। ठीक है, और इसमें क्या है, एक सिलेंडर टाइप का कोई ऑब्जेक्ट है, ये सिलेंडर का टाइप का ऑब्जेक्ट है जो इस ग्रूव के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, ये एंगल कितना दिया है 30 degree, ये दिया है O, ये दिया है A, तो पहले जो डायग्राम दिया है पेपर इसमें क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया, पहले उसको बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, AO ये हो गया 30, और इसके अंदर कुछ ऐसे दिया है ये इस तरीके से, यहाँ पे दिया है सीधा ऐसे। ठीक है, और ये एंगल कितना दिया है इसका
30 डिग्री, तो आपसे पूछा कि टाइम बताओ कितने टाइम में। अच्छा ओ ए की जो लेंथ दी है मैं लिख देता हूँ इधर, ये कितना दिया 5 मीटर और एंगल 30, जी की वैल्यू कितनी दी है 10 दी है, ये सवाल है। तो कितने टाइम में ए से ओ ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंच जाएगा, क्वेश्चन में सवाल पूछा है। ठीक है, तो देखो ये वेज यहाँ पे दिया है, 3D में थोड़ा सोचना पड़ेगा, फ्रंट से पीछे की तरफ कितना एंगल है इसका 30 डिग्री, तो उसको ऐसे संभालो जैसे एक प्लेन के ऊपर इसको बना देता हूँ मैं, प्लेन के ऊपर अगर बनाओगे आप इसको तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको ये। ठीक है, तो थोड़ा सा भी फील हुआ होगा आपको, एक प्लेन के ऊपर ऐसे रखा ये। ठीक है, तो ये एक अगर इस पॉइंट की बात करता हूँ मैं, इस पॉइंट की, ठीक है, अभी ग्रूव यहाँ पे होगी, ये मास ऐसे फिसलेगा, तो पहले यहाँ की कहानी देख लेते हैं क्या होगी। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे mg लगेगा नीचे, इस पॉइंट पे अगर मास में मान लेता हूँ mg, तो किधर लेगा mg नीचे की तरफ, तो ये एंगल 30, तो ये एंगल भी कितना होगा 30। इसको फ्रंट से अगर आप देखोगे तो वैसे ही लगेगा जैसे इंक्लाइन प्लेन में क्वेश्चन सॉल्व करते थे। ठीक है, इधर कंपोनेंट कितना आएगा mg cos 30, इधर कितना आएगा mg sin 30, सही है। तो फ्रंट से इसको थोड़ा सा आपको मेजर करना पड़ेगा धरा के, तो ये 30 mg नीचे लगेगा इस पॉइंट पे। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ एक्सेलरेशन देखने के लिए कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो mg sin 30। अच्छा, ये कंपोनेंट क्या करेगा, इसको स्लाइड करके नीचे लेके आएगा, ए से ओ तक अगर ये जाएगा स्लाइड करके, तो कौन सा एक्सेलरेशन लेके जाएगा, ये एक्सेलरेशन लेके जाएगा। और कहानी क्या होगी इस एक्सेलरेशन की, देखो इससे तो कोई मतलब नहीं है, mg sin थीटा किधर लग रहा है नीचे की तरफ, तो ए से ओ जब ग्रूव मूव करेगी तो इसके लेंथ मुझे दिए 5 मीटर, तो यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो मूव करेगी तो एक्सेलरेशन भी पिक्चर में आएगा। तो पहले इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन देख लेते हैं कितना होगा, तो ये होगा mg sin 30। तो अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ सिंपल ऐसे, तो ये एंगल अगर फील करोगे ये मेरे पास होगा 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री, और ये एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पे, ये होगा जी साइन 30। भाई एम जी साइन 30 को जी साइन 30 एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिख देंगे, ये मेरे पास फोर्स है। ठीक है, ये 30 है, 90 कितना बचेगा, ये बचेगा 60 डिग्री। आई होप ये बात समझ आ रही होगी आपको, ये एंगल 30, ये 90, तो कितना बचेगा, ये 60 बचेगा, ट्रायंगल बन रहा है पूरा 180 का। तो यहाँ का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा इसका, अगर पॉइंट ए की बात करूँ तो इसका कंपोनेंट कितना आएगा, एक तो होगा जी साइन 30 और आएगा यहाँ से कॉस 60। क्या आएगा, जी साइन 30 और इसके साथ कॉस, जी साइन 30 का कंपोनेंट होगा कॉस के साथ, कॉस 60। ठीक है, तो ए से ओ तक जो एक्सेलरेशन इसको लेके जाएगा सिलेंडर को, ए से ओ तक ग्रूव के अंदर, वो ये एक्सेलरेशन लेके जाएगा। ठीक है, और नेट फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो देखो कहानी क्या होगी, एम इंटू ए, नेट फोर्स इक्वल टू, नेट फोर्स कितना है, ये मेरे पास जी साइन 30 कॉस 60 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये लिख सकते हैं। और फोर्स है तो मास से भी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो एम जी साइन 30 कॉस 60 इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, एम से एम कैंसिल, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, देखो तो जी तो मेरे पास हो जाएगा 10, साइन 30 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/2, ये हो जाएगा 5, और ये कितना होगा 2.5, यानी एक्सेलरेशन कितना आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा आपको, तो एक्सेलरेशन कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे बताना कि यहाँ से ओ से ए से लेके ओ तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो ए से ओ तक ये लगा सकते हैं कि बेशक मोशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना दिया है मुझे 5 मीटर, इनिशियली उसने रेस्ट से स्टार्ट किया था 0 प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितनी है 2.5, ये होगा टी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10/2.5 इक्वल टू टी स्क्वायर, पॉइंट हटाएंगे ऊपर हो जाएगा 10, ये हो जाएगा ऊपर 100, 4 टाइम्स का टोकन है, टी स्क्वायर कितना आएगा 4, यानी टी की वैल्यू कितनी आएगी 2 सेकेंड, कितनी आएगी टी की वैल्यू 2 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिलेंडर को ए से ओ तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये लगेगा 2 सेकेंड। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ना, तो अगर कंपोनेंट आपसे बोलेगा तो इस तरीके से ब्रेक करके कंपोनेंट कर सकते हैं, 3D में आपसे पूछेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन था तो उसको नोट कर लिया, वे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने, तो आंसर कितना हो जाएगा टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, हटा देता हूँ उसको मैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है मुझे। देखते हैं, तो सवाल में मुझे बोला है व्हाट हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द कार्ट इन ऑर्डर टू ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी रिलेटिव टू द कार्ट, अज्यूम ऑल सरफेस व्हील्स पुली एंड आर फ्रिक्शन लेस। ठीक है,
तो देखते हैं, फिगर मुझे दिया है यहाँ पे सिंपल इस तरीके से, ये दिया है कैपिटल एम, यहाँ दिया है मुझे एम वन, सॉरी ये दिया है यहाँ पे ये, और यहाँ पे दिया है मेरे पास एम टू, ठीक है। फोर्स यहाँ पे लग रहा है कैपिटल एफ, और नीचे व्हील से मेरे पास इस तरीके से, ठीक है। और मुझसे क्या पूछा है, व्हाट हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द कार्ट तो ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी, यानी इस कार्ट के ऊपर कितना फोर्स लगाएं जिससे दोनों ब्लॉक क्या रहे यहाँ पे स्टेशनरी रहे, मूव ना करें, ठीक है। तो एक काम करो आप, इसको ये जो यहाँ पे कैपिटल एम का जो कार्ट है इसी के फ्रेम से कर लेंगे इसको, ठीक है। तो अगर किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में रहेंगे हम रहेंगे तो सूट ऑफ फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, ये लगेगा टेंशन टी एम टू जी, यहाँ पे लगेगा टेंशन टी, सही है। अच्छा, अगर यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे हम, ऑब्जर्व करेंगे सिचुएशन को, तो सूट ऑफ फोर्स किधर लगेगा, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, तो एम वन इंटू ए, ठीक है। एक्सेलरेशन को कितना मान लेंगे, ए मान लेंगे, तो कितना हो जाएगा एम वन इंटू ए। तो इसी ब्लॉक के ऊपर देख लेते हैं, क्योंकि ये बैलेंस हो गया तो बाकी सब तो बैलेंस हो ही जाएगा अपने आप, क्योंकि इसका भी एक्सेलरेशन कितना रहेगा, इसका भी ये रहेगा, ठीक है। तो पूरे के ऊपर एक्सेलरेशन कितना हो गया, ए हो गया। तो यहाँ से अगर मैं टी की बात करूँ तो टी कितना आएगा यहाँ से एम टू जी, और यहाँ से टी कितना आएगा, ये आएगा एम वन ए, ठीक है। तो दोनों टेंशन को बराबर कर सकते हैं, एम टू जी इक्वल टू एम वन ए, यानी ए कितना आएगा यहाँ से M2 by M1 into G, ये आ गई A की वैल्यू M2 by M1 into G, सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो नेट फोर्स अगर मैं देखूं कार्ट के ऊपर, नेट फोर्स वो कितना होगा, M1 plus M2 plus capital M into A, यही होगा M into A। तो यहाँ से A की जो वैल्यू आएगी, अच्छा मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, नेट फोर्स अगर मुझे निकालना है F की वैल्यू, तो सिंपल ये आ जाएगा। तो अप्लाइड फोर्स कितना है, तो F है, तो उसको F के बराबर मान सकते हैं, है ना। तो F इसको देखो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, F मेरे पास होगा M1 प्लस M2 कैपिटल M, और A की वैल्यू ही रख सकते हैं यहाँ से M2 बाय M1 इंटू जी, ठीक है। तो ये कहानी होगी, सूडो फोर्स लेगा पीछे, कुछ चिंता, सिंपल सवाल था। तो टेंशन हो जाएगा M2G, और यहाँ से T की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, M1 ही। और सिस्टम किस पे है, इनेट फोर्स मैंने इसलिए इक्वल किया क्योंकि किस में है, यहाँ पे इसको रेस्ट पे रखना है, कहाँ पे रखना है, रेस्ट पे। तो टेंशन को बैलेंस कौन करेगा, ये M1 into A। तो दोनों को बराबर रख के निकाल लेंगे, तो पूरे सिस्टम का नेट फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, टोटल मास ये है यहाँ पे तीनों का, ये ऐड कर लिया और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे रख के, तो एफ की वैल्यू निकाल ली कितनी आई, एम वन एम टू कैपिटल एम, एम टू बाई एम वन इंटू जी, ठीक है। तो नोट कर लें आप इसको आराम से, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख लें इसको आराम से। चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट सवाल मुझे क्या दिया है, ये मैं हटा देता हूँ। तो थोड़ा सा बड़ा सवाल मिलेगा आपको, ठीक है, बट है कुछ नहीं इस सवाल में, सिचुएशन को ड्रॉ करना है सिंपल। तो लार्ज ट्रक मुझे दिया है जिसके ऊपर एक हैवी लोड है, द ट्रक स्टॉप सडनली इन एन एक्सीडेंट इवन इन ब्रेकिंग, अज्यूम द लोड 10,000 किलोग्राम, ट्रक मूविंग 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मुझे दिया है। तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस मुझसे पूछा है ट्रक का कितना होगा ब्रेक लगाने के बाद, और कंडीशन ये है कि ट्रक के ऊपर जो लोड है, लोड विल नॉट स्लाइड फॉरवर्ड रिलेटेड टू द ट्रक, ठीक है। तो जो सिचुएशन इसमें बनी है इसको आप पढ़ें आराम से, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और सिचुएशन को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एक एक लाइन आप देखते रहें और ड्रॉ यहाँ पे करते रहें, ठीक है, देखते रहें कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो एक ट्रक है मेरे पास, तो पहले ट्रक बना लेते हैं सिंपल, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर एक लोड रखा है कितना, 10,000 किलोग्राम, इतना किलोग्राम। सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी मुझे दिया है, कितना दिया है, म्यू इक्वल टू, ये मेरे पास है कितना, 0.5, ये मुझे मेंशन किया है, म्यू कितना है, 0.5, और ट्रक कितनी स्पीड से आएगा जा रहा है, 12 मीटर पर सेकंड। तो इसमें बोला है ये सिचुएशन मुझे दी है 12, सही है। तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर द ट्रक फॉर विच, तो मिनिमम डिस्टेंस मुझे बताना है कितना मूव करेगा जिससे जो लोड है वो स्लाइड ना करें, ठीक है। अच्छा,
अब अगर एक्सीडेंट हुआ है और ये ब्रेक अप्लाई करेगा तो डी एक्सेलरेशन होना चाहिए। ब्रेक लगाने का मतलब कि धीरे धीरे स्पीड यहाँ पे कम होगी, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए ट्रक के ऊपर। भाई सिचुएशन यही होगी कि ट्रक के ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो किधर लगना चाहिए, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। सही बात है। अब यहाँ पे अगर आप ट्रक के अंदर खड़े हो भाई, इसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे लोड को, तो कैसे फ्रेम में हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो छोटा फोर्स एक्ट करेगा। छोटा फोर्स किधर लेगा, जिस भी एक्सेलरेटर फ्रेम में आप रहोगे और जिसके ऊपर फोकस करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन किधर ट्रक के ऊपर, लेफ्ट में, तो छोटा फोर्स किधर आएगा, राइट में, सिस्टम किस पे हो जाएगा, रेस्ट में। तो अब ये तो एम इंटू ए लगेगा इसके ऊपर, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो लोड है वो मूव नहीं करना चाहिए, तो इसको कौन रोकेगा, अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स रोकेगा, म्यू इंटू एम। सही है। इसका एम जी किधर लगेगा, नीचे, और नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर। ये कहानी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा जी, ठीक है। इसको सिंपल एम जी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एम जी, ठीक है। तो एम इंटू ए किसके इक्वल होगा, म्यू इंटू एन के। एम इंटू ए किसके होगा, म्यू इंटू एन के, ठीक है। तो एम इंटू ए म्यू एन की वैल्यू एम जी के इक्वल होगी। एम से एम यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, एम से एम यहाँ पे कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, सिंपल ए की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू इंटू जी। ए कितना आएगा, म्यू इंटू जी। म्यू कितना है यहाँ से मुझे दिया 0.5, और जी की वैल्यू कितनी है 10। यह आएगा 10 से 10 कैंसिल, कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डी एक्सेलरेशन होगा, यानी स्पीड जो कि ट्रक की ब्रेक लगने के बाद धीरे धीरे कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम होगी, ठीक है। अच्छा, मुझे बताना कितना मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो इक्वेशन लगा सकते हैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तो फाइनल स्पीड जीरो हो जाएगी क्योंकि रुक जाएगा ब्रेक लगाने के बाद, और ये कितना है 12 स्क्वायर, इनिशियल स्पीड से जा रहा है, जिस स्पीड से जाएगा उतनी स्पीड से लोड भी जाएगा, 2। एक्सेलरेशन कितना है, -5, और ये होगा डिस्टेंसेस, तो कितना हो जाएगा, 10s इक्वल टू 144, एस आएगा 144 डिवाइड बाय 10, यानी एस कितना आएगा 14.4 मीटर, यानी ब्रेक लगाने के बाद ये जो ट्रक है वो कितना मूव करेगा आगे, 14.4। तो क्वेश्चन को एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों नेट फोर्स जीरो हो जाएगा यहाँ से, और ए की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड उसका। एक्चुअली में इसको क्या लिखना चाहिए, माइनस लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, डी एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, ठीक है। तो अच्छा सवाल था, तो नोट कर लें आप इसको, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये थे मेरे पास कुछ अच्छे सवाल जो NLM के, प्योर NLM के बेस पे थे। इसके बाद हम कंस्टेंट मोशन की इक्वेशन क्या होती है, कैसे होता है कंस्टेंट मोशन, कौन कौन से मेथड होते हैं, वो सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन भी और भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा लर्निंग मिली होगी और अच्छे क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे कर लिए, ठीक है। तो आप तब तक पढ़ाई करते रहिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।